Passive voice for the past perfect tense. इस टेंस की एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब हेड और मेन वर्ब की तीसरी हालत और आखिर में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस की ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में यहाँ लाएंगे और हेड को हेड बीन में तब्दील करेंगे और इस थर्ड फॉर्म पर को भी यहाँ सेम लिखना है और उसके बाद हेल्पिंग प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल और आखिर में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाद में लिखना है, लेकिन इसे ऑब्जेक्टिव केस में हम तब्दील करेंगे। लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस की, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। आई यहाँ सब्जेक्ट है और माय होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब और फिनिश थर्ड फॉर्म वर्ब है। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में कहा था कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, तो माय होमवर्क को हम यहाँ ले आए माय होमवर्क, और आई को हम बाद में लिखेंगे सबसे बाद में, और इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील करेंगे। तो माय होमवर्क और हेड को हेड बीन तब्दील किया और फिनिश को अपनी जगह फिनिश लिखा और उसके बाद हमने यहाँ लिखा है कि प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल होगा। तो माय होमवर्क हेड बीन फिनिश बाय मी, आई को हमने मी में तब्दील किया। Another sentence of active voice, she had written a story. So a story had been written, preposition by, और she को हमने her में तब्दील किया। A story had been written by her. Another sentence, active voice, we had received his message. His message को हम यहाँ ले आएंगे, had को had been में तब्दील किया, रिसीव्ड को सेम वही उसी हालत में लिखा थर्ड फॉर्म पर, और वी को हमने ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील किया अस और उससे पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया। तो हिज मैसेज हैड बीन रिसीव्ड बाय अस। इस टेंस की पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस वैसे ही होगी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, मगर वहाँ पर हम हैज और हैड का इस्तेमाल करते थे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और यहाँ सिर्फ हैज और हैव का इस्तेमाल और मगर यहाँ सिर्फ हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।